नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको तीन फिल्में बताने वाला हूँ और तीनों फिल्में आपको तीन अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगी। ये तीनों फिल्में हमारे पुलिस सिस्टम पर है और ये आपको बताएगी कि किस तरह से हमारा पुलिस सिस्टम काम करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं तीनों फिल्मों को, और साथ ही लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इन तीनों फिल्मों को आप इजीली कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, पहली फिल्म है अर्धसत्य। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो कि अतीत में बना होगा या फिर जो भी अतीत में हुआ है वो गलत है, जो वर्तमान में होगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम वर्तमान में हैं, और जो भविष्य में होगा वो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। यह हमारी एक सामान्य धारणा होती है और हम इसी कंसेप्ट में ये सोचते हैं कि जो पुरानी फिल्में होती हैं वो यार कचरा होती है, किसी काम की नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्धसत्य एक बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस मूवी है और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड तो मिले ही थे। ओम पुरी सर को इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था और यह फिल्म इतनी ज़्यादा रियल लगती है कि आज भी कई सारे पुलिस वाले इसे देख कर कहते हैं कि हाँ भाई, ये मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप अक्सर ये कहते हैं कि एक बार मैं सिस्टम में आ जाऊँ, मैं पूरा सिस्टम को सुधार कर रख दूँगा। तो वैसे ही ओम पुरी इसी माइंडसेट के साथ आते हैं जैसा माइंडसेट आप एग्ज़ाम देने के पहले और ज्वाइनिंग के शुरुआती समय में रखते हैं। लेकिन लास्ट में जो ओम पुरी पंक्ति कहते हैं, जो लाइन कहते हैं अर्धसत्य कविता की, वो बहुत ही दिल को छूती है और बहुत ही सच है। क्योंकि वो इसमें कहते हैं कि सिस्टम, एक गलत सिस्टम को सुधारने के चक्कर में मैं कब गलत बन गया पता ही नहीं चला। क्योंकि वो पूरी फिल्म में लड़ते रहते हैं सच्चाई के लिए, और लास्ट में उनसे ही एक एनकाउंटर हो जाता है। हीरोइन उनसे कहती है कि तुम तो सिस्टम को सुधारने निकले थे, तुम कहाँ तक साफ हो ये बताओ, तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। तो ये फिल्म यही बताती है कि कैसे सिस्टम को सुधारने के चक्कर में बहुत सारे अच्छे लोग भी गलत सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अर्धसत्य मूवी भी एक मास्टरपीस मूवी है और इसे भी आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर फिल्म आती है हला हल नाम की, एक फिल्म है। और इस फिल्म में ये बताया गया है कि पूरे सिस्टम के सामने, इसमें पुलिस सिस्टम हो या फिर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम हो, इसके सामने एक आम आदमी की क्या औकात होती है, ये इस फिल्म से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कहानी में एक लड़की की बॉडी को शुरुआत में जला दिया जाता है, उसे ज़िंदा जला दिया जाता है और उसे सुसाइड करार दिया जाता है। कोई भी ये नहीं कहता है कि उसका मर्डर हुआ है या फिर कोई दुर्घटना में वो मरी है। उसके पिता मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड की है। वो लास्ट तक लड़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो साबित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि साबित करने से भी कुछ नहीं होने वाला, और फिर वो खुद उस करप्ट सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट में बहुत इमोशनल करती है और लास्ट में आपको लगेगा कि यार, इस फिल्म को देखने से आखिर मिला क्या। लेकिन ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी सिस्टम के सामने क्या है अगर सिस्टम गलत हो जाए तो। तीसरी फिल्म है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक एक थ्रिलर फिल्म, साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है और क्राइम थ्रिलर फिल्म है। यहाँ पर मर्डर होते रहते हैं जिनकी जानकारी लास्ट में फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुलिस वाले लगाते हैं। और फॉरेंसिक टीम में टॉबिन और थॉमस रहते हैं जो कि मलयालम के टॉप हीरो हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमारा पुलिस सिस्टम एक सही तरीके से काम करे, अगर वो ईमानदारी से काम करे और सरकार भी उन्हें वो सारे इक्विपमेंट, वो सारी सुविधाएं दे जो कि वो डिज़र्व करते हैं, तो कैसे पुलिस बेहतर से बेहतर काम कर सकती है और कठिन से कठिन केस को भी सुलझा सकती है। तो यहाँ पर हमने तीन फिल्में आपको बताई। पहली फिल्म बताती है कि एक ईमानदार व्यक्ति जिस सिस्टम से लड़ता है, खासतौर पर पुलिस वाला, तो उसकी क्या स्थिति होती है और ईमानदार होने पर उसे क्या क्या मिलता है, ये समझ में आया। दूसरे में हमने ये समझा कि करप्ट होने पर उसे क्या क्या मिलता है, और तीसरे में हमने ये समझा कि जब पुलिस वाला भी ईमानदार हो, सिस्टम भी ईमानदार हो, सब बेहतर हो, तो कैसे हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सकता है। अगर हम इन फिल्मों को समझें तो इन फिल्मों के ज़रिए हम हमारे समाज की, सोसाइटी की मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, हम हमारे पुलिस सिस्टम को समझ सकते हैं इन तीन फिल्मों के ज़रिए। तो दोस्तों, इन तीनों फिल्मों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ जाकर देख सकते हैं। और सिर्फ फिल्मों को देखने के बाद अगर समय मिले तो ज़रूर बताना ना भूलें कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकली हो या फिर पुलिस हो, जो भी हो, वो किस कैटेगरी में आता है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।